हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो ये क्लास है, ये 12th इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम आपके लेकर आए हैं क्लास 12 इंग्लिश के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आर्टिकल हमारे बोर्ड एग्जाम में यानी कि इंग्लिश के पेपर में पूरे 10 नंबर का पूछा जाता है। तो आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, जिनके चांसेस 99% है बोर्ड एग्जाम में आने के, उनको आप हमें बताइए और आर्टिकल लिखने का तरीका भी बताइए, कैसे हम बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल लिखेंगे ताकि जो कॉपी चेक करने वाला है वो हमें 10 में 10 पूरे नंबर दे। तो आज मैं आर्टिकल का करने वाला हूं भैया टाटा बाय बाय। आज आर्टिकल को हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, उनको भी मैं आपको बताऊंगा और कैसे आपको आर्टिकल लिखना है। उन्हीं टॉप 10 में से एक पर मैं आपको आर्टिकल लिखना भी सिखाऊंगा। तो आज आर्टिकल की होगी छुट्टी। देखो, क्लास 12 इंग्लिश 2025 10 सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, 10 नंबर आज मैं आपका कंप्लीट कराऊंगा। ध्यान से इस क्लास को देखना, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए आज के इस शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, आर्टिकल जो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आर्टिकल्स लिखते कैसे हैं और कितने वर्ड में हमें आर्टिकल लिखना होता है, क्योंकि यही नहीं पता होगा कि आपको टोटल 100 से देखो आर्टिकल कैसे लिखें। सबसे पहले ये जानिए, देखो सबसे पहली बात, 12th में जो आर्टिकल है वो आपको लगभग 100 से 150 वर्ड्स में लिखना होता है। बहुत बड़ा मत लिखना मेरे स्टूडेंट, बहुत छोटा भी मत लिखना, आपको 100 से लेकर 150 वर्ड में लिखना है। अगर सिंपल बोले तो 100 से 150 वर्ड में आपको आर्टिकल लिखना है, क्योंकि बहुत बड़ा लिखने में अगर आप बहुत बड़ा लिखना चाहेंगे तो बाकी के तो भी पेपर होते हैं, पूरे 100 नंबर का पेपर हमें करना होता है, तो उतना ही लिखें जितना आपको कहा गया हो। उसके बाद में आर्टिकल लिखते कैसे हैं, देखो स्टूडेंट आर्टिकल को हम पैराग्राफ वाइज लिखते हैं, मेनली हम इसको पैराग्राफ वाइज लिखते हैं। दूसरी चीज, हम हेडिंग वाइज लिखते हैं, मतलब आपको क्या करना है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में आपको आर्टिकल लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है ऊपर जो आप आर्टिकल लिख रहे हैं, उसके बाद में आपको छोटे छोटे पैराग्राफ्स में 3-4 पैराग्राफ में आपको आर्टिकल लिखना होता है। हेडिंग वाइज का मतलब क्या हुआ, वही चीज है, आप इसी पैराग्राफ में हेडिंग डाल डाल के लिख दीजिए, वो हेडिंग वाइज हो जाएगा। दोनों तरीका बेस्ट होता है। तो आर्टिकल कैसे लिखे अभी मैं आगे बताऊंगा, ये ध्यान रखना। और ऐसा नहीं है कि पूरे पेज में बस एक ही पेज में ऐसे आर्टिकल लिख दिया, कहीं गैप नहीं है तो भैया वो तरीका गलत होगा। चलो अब हम देखते हैं वो कौन से टॉप 10 आर्टिकल्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 12th वालों, अभी समय है, तैयारी कर लो अच्छे से, 10 ही आर्टिकल पढ़ने हैं। रटना नहीं है, उसको समझना है। किसी चीज को समझोगे ना तो आप एग्जाम में जाकर बहुत आसानी से लिख पाओगे। देखो, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की बात करें तो सबसे पहला आर्टिकल है हाउ टू मेक गुड हेल्थ, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाएं। देखो भैया, अगर आप अच्छे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी आप किसी भी काम को प्रॉपर कर पाएंगे, चाहे वो स्टडी हो चाहे कोई भी काम हो। जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा सब कुछ बेकार है। और अच्छे मतलब स्वस्थ मस्तिष्क में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो आपको अपने बॉडी को, अपने हेल्थ को अच्छा रखना है, ठीक है। तो उसी पर आर्टिकल लिखने को कहा जा रहा है, हाउ टू मेक गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाए। सिंपल सा है, आप सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक करें या फिर आप एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, कुछ भी करें, थोड़ा बहुत आपको व्यायाम करना चाहिए। दूसरी चीज है ऑनलाइन क्लासेस, भैया इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस, इस पर भी आर्टिकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि आज के कुछ साल पहले इसका सिस्टम नहीं था, ऑनलाइन क्लासेज का दौर नहीं था।
जिसको पढ़ना होता था वो कहीं राजस्थान कोटा चला गया, कहीं वो इलाहाबाद चला गया, ऐसे इसके उसको बाहर जाना होता था। आज ऑनलाइन क्लास के जरिए वो घर बैठे आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, वहां से भी अच्छी तैयारी आप यहां पर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां रहोगे भैया तो आपको खाना खाना और भी कुछ बनाना भी पड़ सकता है, और यहां अगर घर पर रहोगे आपको सब कुछ मिलेगा। बैठ के 1-2-3 घंटे क्लास ले लेना है, ऑनलाइन क्लासेस पर भी आर्टिकल बहुत ज्यादा आता है, तो इसको भी प्रिपेयर कर लेना। तीसरा है रीडिंग बुक ए प्लेजर, मतलब किताबें पढ़ना एक आनंद। देखो किताब पढ़ने में आनंद आता है, कोई अच्छी किताब हो तो और भी ज्यादा आनंद आएगा। अब जिसको बुक पढ़ने में आनंद नहीं आता है, रील स्क्रॉल करने में आनंद आता है, वही होते हैं 70-65% वाले। जिसको बुक पढ़ने में आनंद आता है वही एक दिन टॉप पर बनते हैं, तो इस पर भी आर्टिकल आता है। ये चौथा टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड, यानी कि आतंकवाद मानव जाति के लिए एक खतरा, इस पर भी आर्टिकल आपको बहुत ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि आतंकवाद जो है हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। सिर्फ हम इंडियन के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए ये आतंकवाद जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, पूरे विश्व में ये फैला हुआ है। ठीक है, हर जगह आतंकवादी हमले होते रहते हैं, सिर्फ हमारा भारत ही आतंकवादी हमलों से नहीं जूझ रहा है, पूरा विश्व है। ठीक है, पांचवा राइजिंग प्राइसेज, ये भैया राइजिंग प्राइसेज बढ़ती कीमतें। देखो कीमत लगातार बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, इस पर भी आर्टिकल लिखने को आपको दिया जा सकता है कि राइजिंग प्राइसेस पर आप लोग आर्टिकल लिखिए। तो ये टॉप 5 हो गए, अभी 5 आर्टिकल और हैं। देखो भैया अभी मैं चाहता तो इसी में से 2-3-4 आर्टिकल आपको कह देता, मान लीजिए उसमें से ना आए तब। अब इस 10 आर्टिकल मैं क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि इन 10 में से आना ही आना है आर्टिकल। तो मेरे कहने का मतलब है इन 10 को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, आपको कोई और आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आर्टिकल लिखने का तरीका अगर आपको पता होगा, कोई भी आर्टिकल आता है उसको आप चुटकियों में लिखेंगे, गारंटी है हमारी। देखो अर्ली राइजिंग जल्दी उठना, इसी पर हम अभी आर्टिकल लिखना सीखेंगे। अर्ली राइजिंग जल्दी उठना, जल्दी उठने से क्या लाभ है, जल्दी उठना क्यों जरूरी है हम सबके लिए, इस पर अभी हम आर्टिकल लिखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो अर्ली राइजिंग इस पर आर्टिकल बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि अगर आप लोग किसी बड़े आदमी को देखेंगे, जैसे हम ले लें सेलिब्रिटी में अक्षय कुमार को, उनका कहना है हम 3 या 4 बजे उठ जाते हैं सुबह सुबह, तभी तो वो इतने सक्सेस हैं। तो जो सक्सेस लोग होते हैं ना वो 10-10, 11-11 बजे तक नहीं सोते हैं, वो जल्दी उठते हैं। ठीक है, तो जल्दी उठने की आदत डालो, अगर आपको पढ़ना है टॉपर बनना तो आपको भी जल्दी उठना होगा, क्योंकि सुबह का पढ़ा हुआ बहुत अच्छे से याद होता है। सातवां इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि खेल कूद का महत्व, खेल कूद का महत्व क्या है, इस पर भी आर्टिकल लिखने को दिया जाता है। देखो खेलने और कूदने से हमारा शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो तो अच्छा होता ही होता है, साथ में मेंटल हेल्थ जो है वो भी अच्छा होता है। लेकिन अब खेलने वाली जो बातें हैं, खेल कूद बाहर वाली खेल कूद, अब लोग एक फोन ले लिए उसमें पबजी फ्री फायर और ये गेम्स खेल रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा सिवाय आपके आंखों के खराब होने का। मतलब आपकी आंखें डैमेज हो सकती हैं लेकिन बाकी कोई बेनिफिट इससे नहीं मिलने वाला। तो स्क्रीन उतना ही यूज करें जितना काम हो। ठीक है, आठवां रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमिका। देखो बहुत बड़ी भूमिका है, आज महिलाएं जो है पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, और कोई कोई क्षेत्र तो ऐसा है जिसमें महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। तो यही कहा जा रहा है कि हमारे आधुनिक भारत में महिलाओं की क्या भूमिका है, इस पर भी आर्टिकल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। और ये वाला आर्टिकल 9 नंबर, योर एम इन लाइफ, जीवन में आपका लक्ष्य क्या है। देखो हम सब पढ़ाई करते हो या कुछ भी करते हो, हमारा एक टारगेट है, हमें कुछ बनना है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, तो किसी को सरकारी नौकरी चाहिए। तो यही चीज है, आपका जीवन में लक्ष्य क्या है, उस पर भी आर्टिकल लिखने को दिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी पढ़ लेना। 10 प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, समाज में माँ का स्थान। देखो माँ का स्थान तो हमेशा ऊपर रहेगा भैया, ठीक है, जन्म देने वाली है माँ, हम एक रोटी मांगे तो वो 2 देती हैं, तो इनका स्थान तो हमेशा ऊपर रहेगा, लेकिन हमारे समाज में मां का स्थान कहां है,
कहां है उसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। तो ये टॉप 10 आर्टिकल्स थे मेरे स्टूडेंट, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। टॉप 10 आर्टिकल समझ में आ गया कि टॉप 10 कौन कौन से आर्टिकल हैं जो इस बार हमारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे या आ सकते हैं। 99% चांस है अगर आप इन 10 आर्टिकल को पढ़ के जाओगे। देखो 10 आर्टिकल है, कोई एक आर्टिकल मैं नहीं बता रहा हूं, 10 आर्टिकल है, इसको पढ़ के जाओगे 100% गारंटी है 10 में 10 लाओगे। लेकिन अब लिखने का तरीका भी समझ लेते हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे, कैसे उसको लिखेंगे, इसको भी तो जानना जरूरी है। देखो यहां पे मैंने लिया है अर्ली राइजिंग पर एक आर्टिकल आज हम लिखना सीखेंगे। तो जब भी आप आर्टिकल लिखें, पहले आंसर नंबर आपको डालना है, वो तो सबको पता है, हमें आंसर नंबर डालना होगा कॉपी लिखते समय। कॉपी लिखने का तरीका तो पता होगा ना, आप लोग सर्च कर लो 12th इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो आप आर्टिकल को भी सर्च करोगे वो भी मिल जाएगा जो मैंने पहले पढ़ाया है। ठीक है, लेकिन ये रिन्यू है। देखो अर्ली राइजिंग, जल्दी उठना, इस पर हमें आर्टिकल लिखना है। आखिर इससे क्या बेनिफिट है, क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या होता है जल्दी उठने से, इस पर आर्टिकल हमें लिखना है। तो आपको एक प्यारा सा हेडिंग डालना होगा अर्ली राइजिंग। फिर आपको क्या करना है, देखो पैराग्राफ्स में आर्टिकल लिखना है। जैसे मैंने यहां से लेकर यहां तक एक पैराग्राफ मैंने लिख दिया, दूसरा पैराग्राफ जो हमारा होगा वो नेक्स्ट पेज में होगा। देखो ये यहां से लेकर यहां तक हमारा दूसरा पैराग्राफ हो गया, तीसरा पैराग्राफ जो होगा स्टूडेंट वो हमारा यहां पर होगा। देखो यहां पर होगा, यहां से यहां तक आपका पैराग्राफ हो गया। यानी कि आपको पैराग्राफ्स में आर्टिकल्स को लिखना होता है। ठीक है, यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। देखो मैंने अलग अलग पेजेस में यहां पे लिखा है, क्योंकि इसका स्क्रीन छोटा है, आपकी कॉपी का स्क्रीन बड़ा होगा, उसमें आपका एक ही पेज में हो सकता है पूरा आर्टिकल आ जाए। तो आपको करना क्या है, एक पैराग्राफ आपने लिखा, फिर एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर दूसरा पैराग्राफ लिखिएगा, फिर एक लाइन छोड़ के तीसरा पैराग्राफ, ऐसा लगे कि बच्चे ने तीन पैराग्राफ्स में इस आर्टिकल को लिखा है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो भैया अर्ली राइजिंग पर आर्टिकल अब हम जानते हैं, मैं आपको हिंदी मीनिंग के साथ समझाऊंगा, क्योंकि जो भी पढ़ो इतने अच्छे से पढ़ो कि फिर इसको दोबारा ना पढ़ना पड़े। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो बाकी के जो आर्टिकल्स हैं उन पर भी मैं क्लासेस लेकर आऊंगा। बस कमेंट की देर है, आप लोग फटाफट कमेंट करो, सर और हमें आर्टिकल चाहिए, कोई भी टॉपिक चाहिए, कमेंट करते रहो, हम देखते हैं आप सभी का कमेंट। ठीक है, तो कमेंट करना ना भूलें। देखो क्या है, अर्ली राइजिंग जल्दी उठना इज है, ये हैबिट एक आदत दैट जिसको है बीन लिंक्ड जोड़ा गया है या जोड़ा जाता है टू सेवरल कई बेनिफिट्स फायदों से या लाभों से। तो जल्दी उठना एक ऐसी आदत है जिसे कई फायदों से जोड़ा जाता है, जिससे कई फायदे होते हैं। मेरे कहने का मतलब जल्दी उठना एक ऐसी आदत है जिसको कई फायदों से जोड़ा गया है या जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे देखो, बेकिंग अप एर्ली, जल्दी उठने से कैन हेल्प, सहायता मिलती है ये पर्सन, एक व्यक्ति को गेट अहेड यानी कि शुरुआत अच्छी स्टार्ट शुरुआत करने में ऑन द डे दिन की। तो जल्दी उठने से व्यक्ति को दिन की अच्छी शुरुआत करने, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाने, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादकता, यानी कि उत्पादकता बढ़ाने। उत्पादकता बढ़ाने का मतलब क्या है, आप सक्सेस हैं, आप और सक्सेस हो जाएं, इसी को बोलेंगे उत्पादकता बढ़ाने। ठीक है, आगे देखो, एंड और प्रमोट, प्रमोट का मतलब होता है बढ़ावा देने। ठीक है, बेटर मेंटल हेल्थ यानी कि बेटर, अच्छे मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य को। तो बेकिंग अप अर्ली, जल्दी उठने से, ठीक है, दिन की अच्छी शुरुआत करने, एहेड स्टार्ट ऑन द डे, दिन की अच्छी शुरुआत करने, उत्पादकता बढ़ाने और अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। मतलब जल्दी उठने से एक व्यक्ति को दिन की अच्छी शुरुआत करने, उत्पादकता बढ़ाने और अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। अगर आप जल्दी उठेंगे तो आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि आप अगर मान लीजिए 7 बजे उठते हैं, आप 5 बजे उठ गए तो 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेंगे काम करने के लिए, 2 घंटे में आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। मतलब टाइम, जानते ही टाइम की कितनी वैल्यू है, एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गए, तो एक्स्ट्रा टाइम मिलने से आपका काम भी एक्स्ट्रा होगा, तो आप
और आगे बढ़ेंगे, आपकी उत्पादकता और ज्यादा बढ़ेगी। तो वही कहा गया है, ध्यान से समझना, मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। बेकिंग अप अर्ली, जल्दी उठने से कैन हेल्प, सहायता मिलती है एक पर्सन, एक व्यक्ति को गेट अहेड स्टार्ट ऑन द डे, यानी कि दिन की अच्छी शुरुआत करने में, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ाने में, एंड प्रमोट बेटर मेंटल हेल्थ और अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में। तो जल्दी उठने से एक व्यक्ति को दिन की अच्छी शुरुआत करने, उत्पादकता बढ़ाने और अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। ठीक है, तो जल्दी उठा करो, आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे स्टूडेंट, देखो रिसर्च का मतलब होता है शोध, या आप रिसर्च ही कहिए। रिसर्च हैज आल्सो, रिसर्च में भी सोन देखा गया है दैट की पीपल, वे लोग हु, जो वेक अप अर्ली, जो जल्दी उठते हैं, आर मोर, वे ज्यादातर लाइकली टू एक्सरसाइज, वो व्यायाम करते हैं रेगुलरली, नियमित रूप से, एंड और हैव बेटर, और वे अच्छी स्लीप, नींद भी लेते हैं, हाइजीन। ठीक है, मतलब रिसर्च में भी ऐसा पाया गया है, रिसर्च में भी ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति जल्दी उठते हैं वो व्यायाम भी करते हैं और अच्छी नींद भी लेते हैं। मतलब जो व्यक्ति जल्दी उठेगा, 5 बजे या 4 बजे उठेगा, वो सोचेगा कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, कुछ मेडिटेशन कर लेते हैं, तो हमारा हेल्थ और अच्छा रहेगा। तो ऐसा देखा गया है रिसर्च में कि जो व्यक्ति जल्दी उठते हैं वो नियमित रूप से व्यायाम भी करते हैं और अच्छी नींद भी लेते हैं। तो कितना बेनिफिट है जल्दी उठने से। तो आज से जल्दी उठना, सर जी कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी मैं मोटिवेट कर रहा हूं तो आप लोग मोटिवेट हो जाएं, जल्दी उठें 1-2 दिन, फिर उसके बाद में आप देर से उठने लगे, आपको जल्दी ही उठना है। और बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है, ऐसा रियल लाइफ में होता होगा शायद आपके भी, कि आप अलार्म लगाते हैं, मुझे 5 बजे उठना है या 4 बजे उठना है, अलार्म बजा, आप उठे, फिर अलार्म को बंद करके फिर सो गए। ऐसा नहीं करना है, आपको अलार्म के अकॉर्डिंग जो भी आप लगाएं उसमें उठना है, खुद को प्रूफ करना है, हाँ मैं कर सकता हूं। तो वही कहा गया है, रिसर्च हैज आल्सो शोन, रिसर्च में भी ये देखा गया दैट की पीपल हु वेक अप अर्ली, वे लोग जो जल्दी उठते हैं, आर मोर लाइकली टू एक्सरसाइज रेगुलरली, वे नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, एंड हैव बेटर स्लीप हाइजीन, और अच्छी नींद भी लेते हैं। तो रिसर्च में भी ये देखा गया है कि जो लोग जल्दी उठते हैं वो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं और अच्छी नींद भी लेते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा यहां पे फिनिश हुआ। चलो समझ में आ रहा है, नहीं आएगा तो दोबारा आप इसी को देख लेना, आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा सेकंड पैराग्राफ पे हम लोग आते हैं। देखो वन ऑफ द की, यानी कि एक मुख्य बेनिफिट, लाभ ऑफ अर्ली राइजिंग, जल्दी उठने का, इज है दैट की इट अलाउज, ये हमें देता है। देखो अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना या देना, ठीक है, ये हमें देता है फॉर मोर टाइम, ज्यादा समय इन द डे, दिन में, टू अकॉम्प्लिश, यानी कि पूरा करने के लिए, अकॉम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करने के लिए टास्क, अपने कार्यों को। तो जल्दी उठने का एक मुख्य लाभ, ये भी है कि ये हमें अपने कार्यों को पूरा करने के लिए ज्यादा समय भी देता है। देखो जल्दी उठोगे आप, 2 घंटे रोज से जल्दी उठ गए, डेली से 2 घंटे जल्दी, तो आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम मिल गए अपने कामों को पूरा करने के लिए। वही यहां पे कहा जा रहा है कि वन ऑफ द की बेनिफिट, एक मुख्य लाभ ये है आप अर्ली राइजिंग, जल्दी उठने का, इज दैट है कि इट अलाउज फॉर मोर टाइम, ये ज्यादा समय देता है इन द डे, दिन में, टू अकॉम्प्लिश टास्क, यानी कि कामों को पूरा करने के लिए। जो जल्दी उठने का एक मुख्य लाभ यह भी है कि यह हमें दिन में ज्यादा काम करने के लिए ज्यादा समय भी देता है। जल्दी उठोगे ज्यादा टाइम आपको मिलेगा, ज्यादा टाइम मिलेगा ज्यादा काम करोगे, ज्यादा काम करोगे आप ज्यादा सक्सेस होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते मेरे स्टूडेंट, फिर आगे क्या कहा जा रहा है देखो, बाय वेकिंग अप अर्लियर, यानी कि जल्दी जागने से ये पर्सन, एक व्यक्ति कैन हैव, ये क्वाइट, उसके पास एक शांत मिल सकता है, कैन हैव मिल सकता है, ये क्वाइट, एक शांत एंड फोकस्ड पीरियड ऑफ टाइम, एक केंद्रित समय टू वर्क, काम करने के लिए, ऑन पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत,
पर्सनल, जैसे मेरा पर्सनल नंबर है, मतलब मेरा व्यक्तिगत नंबर है, ठीक है, और प्रोफेशनल या व्यवसायिक, प्रोफेशन का मतलब होता है व्यवसाय, प्रोफेशनल का मतलब होता है व्यवसायिक, ठीक है, प्रोजेक्ट्स, कामों में विदाउट, बिना किसी द डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विकर्षण, जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हो, हमें थोड़ा प्रॉब्लम में प्रॉब्लम देते हो, दैट जो कम्स आता है विथ ये बिजी शेड्यूल, यानी कि एक व्यस्त कार्यक्रम, बिजी का मतलब व्यस्त, शेड्यूल का मतलब कार्यक्रम। तो भैया बाय वेकिंग अप अर्लियर, जल्दी जागने से किसी व्यक्ति को व्यस्त कार्यक्रम के कारण होने वाले विकर्षणों के बिना, देखो यहां से हम इसको समझेंगे, देखो बाय वेकिंग अप अर्लियर, जल्दी जागने से एक व्यक्ति को, ठीक है, एक व्यक्ति विदाउट द डिस्ट्रक्शन दैट कम विथ ही बिजी शेड्यूल, इसका मतलब ये होगा कि जल्दी जागने से एक व्यक्ति को, ठीक है, एक व्यक्ति को व्यस्त कार्यक्रमों के कारण होने वाले विकर्षणों के बिना, ठीक है, होने वाले विकर्षणों के बिना अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक कामों को पूरा करने के लिए एक शांत और केंद्रित समय मिल सकता है। देखो ये वाला जो सेंटेंस है थोड़ा सा बड़ा है, इनके कहने का मतलब है कि जल्दी जागने से एक व्यस्त कार्यक्रम, कोई आदमी अगर व्यस्त भी है तो उसके कारण जो विकर्षण होते हैं, जो डिस्ट्रक्शन होते हैं, उसके बिना, मतलब जल्दी जागने से एक व्यक्ति को व्यस्त कार्यक्रमों के कारण होने वाले विकर्षणों के बिना अपने अपने पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक कामों को पूरा करने के लिए एक शांत और केंद्रित समय मिल सकता है। अगर आप जल्दी जागेंगे तो आपके जो डिस्ट्रक्शन है उसके बिना आपको अपने पर्सनल और अपने प्रोफेशनल जो आपका काम है उसको करने के लिए एक क्वाइट, एक शांत और फोकस टाइम पीरियड, एक केंद्रित समय आपको मिल सकता है। तो इसीलिए जल्दी जागो, जितना जल्दी जागोगे आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो दूर होती जाएंगी, क्योंकि आपके पास समय रहेगा कुछ ज्यादा काम करने का, कुछ बड़ा करने का, ठीक है। तो वेकिंग अप अर्ली, आगे देखो, दिस कैन लीड टू इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, मतलब इससे उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है, ठीक है, एंड और ये ग्रेटर सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब होता है उपलब्धि थ्रू आउट द डे, यानी कि दिन में, मतलब जल्दी जागने से, दिस कैन लीड टू इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, इससे उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। उत्पादकता का मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसको करने के लिए और ज्यादा समय मिलेगा, और ज्यादा समय देंगे तो आप और अच्छी अर्निंग करेंगे, और अच्छा आप और ज्यादा सक्सेस होंगे, तो वही उत्पादकता में वृद्धि आपकी होगी। तो इससे उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है और दिन में उपलब्धि की भावना भी बढ़ सकती है। जो उपलब्धि आपको हासिल हो रही है, आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं और ज्यादा उपलब्धि को हासिल कर सकता हूं, क्योंकि ज्यादा काम करेंगे तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि यार मेरा काम बहुत अच्छे से हो रहा है, अब मैं और अधिक उपलब्धि हासिल करूंगा, और अधिक प्रसिद्धि हासिल करूंगा। तो वही कहा गया, दिस कैन लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इससे उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है, एंड और ये ग्रेटर सेंस, एक बड़ी भावना आप अकॉम्प्लिशमेंट उपलब्धि की थ्रू आउट द डे, यानी कि दिन में, और दिन के उपलब्धि की भावना भी बढ़ सकती है कि अब मैं और आगे जाऊंगा, मेरी उपलब्धि और बढ़ेगी, ठीक है। तो वही चीज इसमें कहा गया है। देखो सेंटेंस थोड़ा सा लॉन्ग था, इसीलिए हम ज्यादा कुछ नहीं बताया है आपको, ठीक है। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर दें क्या? कर दें रिवाइज इसको, चलो करते हैं। देखो, वन ऑफ द की बेनिफिट ऑफ अर्ली राइजिंग इज दैट इट अलाउज फॉर मोर टाइम इन द डे टू अकॉम्प्लिश टास्क, यानी कि जल्दी जागने का एक मुख्य लाभ यह है कि ये हमें अपने कार्यों को पूरा करने के लिए ज्यादा समय देता है। आगे देखो, बाय वेकिंग अप अर्लियर, जल्दी जागने से ये पर्सन कैन हैव ये क्वाइट एंड फोकस्ड टाइम पीरियड, ठीक है, टू वर्क ऑन पर्सनल और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स विदाउट द डिस्ट्रक्शन दैट कम्स विथ ए बिजी शेड्यूल। जल्दी जागने से एक व्यक्ति के व्यस्त कार्यक्रमों के कारण होने वाले विकर्षणों के बिना भी वो अपने व्यक्तिगत और अपने व्यावसायिक कामों को पूरा करने के लिए उसको शांत और केंद्रित समय मिल सकता है। आगे देखो, दिस कैन लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ए ग्रेटर सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट थ्रू आउट द डे, यानी कि इससे उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है और दिन में उपलब्धि की भावना भी बढ़ सकती है कि अब मैं और ज्यादा उपलब्धि को हासिल करूंगा। चलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, एक और पैराग्राफ हमारे पास है, इसको भी हम देखेंगे। देखो लास्ट में क्या कहा जा रहा है, एडिशनली
इसके अतिरिक्त वेकिंग अप अर्ली, जल्दी जागने से कैन प्रमोट, यानी कि बढ़ावा मिल सकता है बेटर मेंटल हेल्थ, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को। इसके अतिरिक्त जल्दी जागने से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिल सकता है, मतलब आपका मानसिक स्वास्थ्य जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत ज्यादा विकसित होगा। क्यों? क्योंकि जल्दी जाओगे तो उस समय का जो समय होता है 5 या 4 बजे वाला बहुत शांत होता है, तो आपका दिमाग थोड़ा शांत होगा, आपके अंदर जो इधर उधर की बातें चल रही हैं वो थोड़ा शांत होंगी। ठीक है, अगर आप मेडिटेशन या एक्सरसाइज उस समय कर लेते हैं या रनिंग या फिर वॉकिंग कर लेते हैं तो आपका और अच्छा हेल्थ होगा। तो यही चीज है, जल्दी जागना चाहिए। आगे देखो, इट कैन रिड्यूस, ये कम कर सकता है स्ट्रेस लेवल, यानी कि तनाव के लेवल को। देखो हमारे अंदर टेंशन भी होते हैं, स्ट्रेस होता है थोड़ा बहुत, तो ये हमारे तनाव के लेवल को कम कर सकता है बाय प्रोवाइडिंग, प्रदान करके ये सेंस ऑफ कंट्रोल, एसेंस एक भावना आप कंट्रोल नियंत्रण की ओवर द डे, दिन में। ठीक है, तो ये दिन में नियंत्रण की भावना को प्रोवाइड करके या प्रदान करके हमारे स्ट्रेस, यानी कि हमारे स्ट्रेस के लेवल को, तनाव के लेवल को भी कम कर सकता है। इनके कहने का मतलब है अगर आप जल्दी उठोगे तो ये दिन के नियंत्रण की भावना को, ये दिन के नियंत्रण की भावना को प्रदान करके, ठीक है, मतलब कंट्रोल की भावना को प्रदान करके हमारे तनाव के लेवल को भी कम कर सकता है, थोड़ा कंट्रोल होगा हमारा स्ट्रेस। ठीक है, आगे देखो, एंड आल्सो, और भी देता है, अलाउ देता है फॉर मोर टाइम, ज्यादा समय फॉर सेल्फ केयर। सेल्फ केयर का मतलब होता है स्वदेखभाल, केयर का मतलब देखभाल, सेल्फ का मतलब स्वदेखभाल। ठीक है, एक्टिविटीज, गतिविधियों सच एज, जैसे कि एक्सरसाइज, व्यायाम, मेडिटेशन, मेडिटेशन मतलब ध्यान, और जनरलिंग। इनके कहने का मतलब है और हमें अपने स्वदेखभाल जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन और जनरलिंग के लिए ज्यादा समय भी देता है। तो इनके कहने का मतलब क्या है, मैं एक बार फिर से इसको समझाता हूं। देखो, इट कैन रिड्यूस स्ट्रेस लेवल बाय प्रोवाइडिंग ये सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर द डे, यानी कि ये दिन में नियंत्रण की भावना को प्रदान करके हमारे तनाव के लेवल को कम कर सकता है। एंड ऑल्सो अलाउस फॉर मोर टाइम फॉर सेल्फ केयर एक्टिविटीज सच एज एक्सरसाइज, मेडिटेशन और जनरलिंग, और हमें स्वदेखभाल गतिविधियों जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन और जनरलिंग के लिए ज्यादा समय भी देता है। ठीक है, जल्दी उठोगे तो आपको सारे कामों को करने के लिए ज्यादा समय भी मिलेगा। आगे देखिए, अब ओवरऑल करते हैं, ओवरऑल का मतलब कुल मिलाकर क्या कहा जा रहा है। ओवरऑल कुल मिलाकर अर्ली राइजिंग, जल्दी उठना इज ए हैबिट, एक ऐसी आदत है दैट जो कैन हैव, जो देता है ये पॉजिटिव इंपैक्ट, यानी कि सकारात्मक प्रभाव ऑन मैनी एरियाज, यानी कि कई क्षेत्रों में आप लाइफ जीवन के। ठीक है, तो जल्दी उठना एक ऐसी आदत है जो हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक है, जैसे फ्रॉम प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता एंड सक्सेस, सफलता, टू फिजिकल, यानी कि शारीरिक एंड मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। यानी कि क्या कहा जा रहा है, कुल मिलाकर जल्दी जागने से हमारे उत्पादकता और सफलता से लेकर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, यानी कि उत्पादकता, सफलता से लेकर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जैसे जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव ये डालता है। मतलब कुल मिलाकर आपसे कहा जा रहा है, ओवरऑल अर्ली राइजिंग इज ए हैबिट दैट कैन हैव ये पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन मैनी एरियाज ऑफ लाइफ, फ्रॉम प्रोडक्टिविटी एंड सक्सेस टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। यानी कि कुल मिलाकर जल्दी उठने से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से लेकर उत्पादकता और सफलता के कई क्षेत्रों में पॉजिटिव प्रभाव, यानी कि सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो अगर आप जल्दी उठोगे तो आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों सही रहेगा, मतलब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही रहेगा, आप सफलता, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, आप और ज्यादा सफल भी होंगे और आपके जीवन के कई क्षेत्र में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो कुल मिलाकर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जल्दी उठा करो। ठीक है, तो अर्ली राइजिंग का जो हमारा आर्टिकल है वो यहीं पर फिनिश होता है। लास्ट में थैंक यू। तो देखो यहां पे मैंने आपको बता दिया, देखो
मैंने आपको बताया 12th इंग्लिश के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स को, और हमने जो है अर्ली राइजिंग पर आर्टिकल लिखना भी सीखा। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि जो ये मैंने टॉप 10 आर्टिकल्स बताए हैं ना, इसमें से और भी कई सारे आर्टिकल्स मैं आपको बताऊं एक पार्टिकुलर वीडियो में, तो आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। तो आर्टिकल वाला आज का ये क्लास आपको कैसा लगा? आई होप कि आपको जितने भी आर्टिकल्स मैंने बताए वो समझ में आए होंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल कैसे लिखते हैं वो भी शायद आपको समझ में आ चुका होगा। तो कैसा लगा आपको ये क्लास कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही क्लासेस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।